Hello, welcome everyone. So nice to have a new member in our team of learning trigonometry from me. I am Anil Kumar from Toronto, Canada, and I'm glad that you all have joined me in these free classes on trigonometry. We'll be starting with very basics, looking into the right triangle. Even today, the second lesson, we'll look into the right triangle only. And from the next class, we'll look into all possible angles and then explore further. To begin with, I'd like you to introduce themselves. Let's start with Abhinav. मैं इंडिया के यूपी के बलिया से हूँ सर। तो ये हिंदी में सेशन होगा, हमारी ज्यादातर वार्तालाप हिंदी में ही होगी, बीच बीच में अंग्रेजी बोली जाएगी, तो ये इंग्लिश हो गया। समता, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हाय, मेरा नाम समीर, मैं सियाटल में रहती हूँ, वाशिंगटन स्टेट, यूएस में। गुड, सो समिता, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस मोर हिंदी, सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वंस अगेन? Yeah, my name is Samhita. I live in Seattle and in Washington State, US, United States. Glad you joined us. Yes, Akshat. So my name is Akshat Kaganam. I'm from Toronto, Canada. And I'm practicing trigonometry with Anil sir. How about you, Krishav? My name is Krishav Agarwal. I'm currently in London, United Kingdom, Redbridge. Great. So let's begin with our second lesson on trigonometry. तो हम दूसरे lesson में चलते हैं। ये मेरी lecture की तैयारी है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि trigonometry क्या चीज है, right? तो आप सब लोग मेरे screen देख सकते हैं इस समय। Yes, sir. पिछली बार हमने देखा राइट ट्राइंगल होता है, उसके अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो डिफाइंड होते हैं, और ये रेशियो जो हमने डिफाइन करे थे वो साइन, कोसाइन और टेंजेंट रेशियो किए थे। साइन जो है वो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, कोसाइन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, और टेन जो है अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने निकाला था, सो का टोआ, राइट? तो अगर ये राइट ट्राइंगल है तो एंगल थीटा जो कोण है वो हमारा प्रिंसिपल एंगल है थीटा, उससे हम देखते हैं सारे एंगल, इसको हम कहते हैं अपोजिट एंगल, ये है एडजेसेंट और वो है हाइपोटेन्यूज। इनके रेशियोस, ये तीन प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में भी हमने बात करी थी, वन ओवर साइन जो होता है वो कोसेकेंट होता है, वन ओवर कॉस सेकेंट होता है, वन ओवर टेन कोटेंजेंट रेशियो होता है। हमने ये भी देखा था स्पेशल ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं वो ये दी गई हैं, 30, 60, 90 ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती है वो 1√3, 2 और 45, 45 डिग्रीज के जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर साइड्स होती है 1√1, 2। ये स्पेशल ट्राइंगल्स जो हैं इससे हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकालते हैं, इसका इस्तेमाल हम आज भी करेंगे, ठीक है? हमने सिंपल से एग्जाम्पल लिया था, सिमिलर ट्राइंगल्स से हम चले थे, और सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स तो आप निकाल सकते हैं मगर आप एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, और आज हम देखेंगे कि इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस लिए थे, काइट अगर ऊपर उड़ रही है तो कितनी दूरी पे है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, ये हमने कल देखा था पिछली क्लास में। और फिर हमने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने ज्योमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करी थी, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ये जो परपेंडिकुलर होता है राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज पे, इसका स्क्वेयर इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने तीन लाइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा प्रूफ कर दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। आज हम आगे चलते हैं, तो ये देखिए कि ये आज हमारा लेसन जो है वो ये है कि हम एंगल कैसे निकालेंगे। खैर, ये कुछ पन्ने हैं मेरी किताब में से, तो पहले मैंने सोचा था किताब पब्लिश करूंगा मगर पब्लिश हो नहीं पा रही है, तो उसी में से कुछ पन्ने हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं आज। अपनी तरफ से मैंने बड़ी रंगीन किताब बनाई है, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा कलर देने का यही एक तरीका है। कई लोगों को बड़ी बोरिंग लगती है सब्जेक्ट, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें कलर्स डाल दिए। तो हमने ये देखा था कि ये जो राइट ट्राइंगल है, साइड हमने बड़ी सिंपल ली, 3, 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, करेक्ट? तो इसके अंदर एंगल ए क्या होगा, ये कैसे निकाला जा सकता है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे आज हम। तो हमने ये देखा, आप लोगों को ये स्क्रीन में नजर आ रहा है SOH जो मैंने हाईलाइट किया है अभी? यस सर। आ रहा है? अच्छा, दैट्स गुड। मैं थोड़ा एनलार्ज करके देखता हूँ,
क्या फिर वो फिर स्क्रीन में नहीं आएगा, कोई बात, आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला है कि हम इस एंगल ए को कैसे निकालेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके इस एंगल ए को निकाल सकते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा इस एंगल ए को 3 और 4 से कैसे रिलेट कर सकते हैं? tan, tan अपोजिट और एडजेसेंट साइड। सो tan जो है वो रेशियो है अपोजिट और एडजेसेंट का, तो हमें पता चल गया tan ए इन दोनों का रेशियो है, मगर ए एंगल ए कैसे निकलेगा? एंगल ए इनवर्स फंक्शन से निकलता है और उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर हैंडी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कैलकुलेटर को अपने पास रखें, आगे के सवालों में हम tan इनवर्स करके एंगल निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आसपास है अपना कैलकुलेटर ले आए प्लीज, और उसके बाद आगे का लेसन लेते हैं। फटाफट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके एंगल्स निकालेंगे। ओके, तो हमने ये देख लिया कि जो tan का रेशियो है वो 4/3 है। तो ये तो हमें मिल गया कि tan a, लिख लेता हूं मैं बड़ा बड़ा, इज इक्वल टू 4/3। तो a क्या है? a को निकालने के लिए हम इनवर्स रेशियो की जरूरत होती है। तो जो एंगल a है, एंगल a जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल a है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये इनवर्स फंक्शन होता है। इस इनवर्स फंक्शन को कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट फंक्शन के साथ। तो अगर आप शिफ्ट tan 4/3 करें, 4 और 3 को ब्रैकेट में रखना चाहिए आपको, तो आपको इक्वल टू करने पे एंगल मिल जाएगा। डिग्रीज के अंदर अगर आपकी सेटिंग है तो 53.13 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल जो है 53.13 हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो एंगल ये है, ये हमको मिल गया 53.1। अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल सी कितना होगा? सो इट बी 90 प्लस 53.1। परफेक्टली फाइन, ये को फंक्शन हो जाएगा ना टैन का, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। आप इसको ऐसे डायरेक्टली उस एंगल को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप दोबारा से रेशियो करें। तो अगर आप tan इनवर्स, अब आप देखें अगर आप करते हैं tan इनवर्स, क्या रेशियो होना चाहिए? 3/4। तो आपका एंगल आ जाना चाहिए 90 माइनस 53.1। करेक्ट, वो वेरीफाई हो गया कि हमारा को फंक्शन आइडेंटिटी जो है ना वो सेम होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको, राइट? तो ये को फंक्शन हो गया। तो यही हमने पहले समझा, तो हमें ये आ गया कि राइट एंगल के अंदर एंगल कैसे निकालते हैं, राइट? अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आपको कोई फंक्शन दें साइन और कोसाइन का, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं साइन थीटा 0.5 के बराबर में है, तो आप थीटा कैसे निकालेंगे बता सकते हैं आप? थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स 0.5 कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो दोबारा से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, और अगर हम कहते हैं साइन थीटा 0.5 है, तो थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5, यानी कि हाफ, राइट? हाफ के लिए आप स्पेशल ट्रायंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, याद है? तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखें हमेशा, 30 डिग्री। तो 30, 60, 90 जो ट्राइंगल है उसके अंदर 1, 2 और √3 रेशियो आता है। तो जब आपको ऐसा नंबर आ जाए 1/√3 टाइप का या 1/2, तो आपको स्पेशल ट्राइंगल एकदम से याद आना चाहिए, या 1/√2। तो 30, 60, 45 डिग्रीज के लिए हमें स्पेशल ट्राइंगल याद आ जाना चाहिए, और इमीजिएटली विदाउट कैलकुलेटर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्ट आंसर है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं अगर cot थीटा 5 के बराबर है, तो आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कैसे आंसर निकालेंगे, बताइए? एनीवन? तो कोटेंजेंट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना? तो कॉट थीटा अगर 5 के बराबर में है, तो टैन थीटा 1/cot θ हो गया। कैलकुलेटर के ऊपर साइन कोसाइन और टेंजेंट रेशियो दिए गए हैं, ना कि उसके रेसिप्रोकल, केवल प्राइमरी रेशियो दिए गए। तो अगर सेकेंडरी रेशियो में दिया गया है, तो पहले हमें उसे प्राइमरी रेशियो के टर्म्स में लिखना है,
तो tan theta 1 over cot हो गया, यानी कि 1 over 5. अब हम इनवर्स रेशियो निकालेंगे, tan इनवर्स 1 over 5, और एंगल आ जाएगा, इसमें आता है 11.3 degrees. इस किस्म से अगर हमारे सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं तो हम उसका एंगल निकाल सकते हैं. तो हमें रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी चाहिए. वो ये है कि कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, सेकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा होता है, और कोटेंजेंट थीटा 1 ओवर टैन थीटा होता है. क्लियर है सबको ये? यस सर. राइट, तो हम एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं. So, अगर साइन 32 दिया गया है, हमें इसकी मेजरमेंट निकालनी कि साइन 32 क्या होता है. तो कैलकुलेटर में साइन प्रेस किया, 32 इक्वल टू, और हमारा आंसर आ गया. राइट, अक्सर ये आंसर हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड अप करना होता है, तो आप उसे राउंड करके जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आप सब एंगल निकाल सकते हैं. अगर एंगल नेगेटिव दिया गया है तब भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आपको आंसर मिल जाएगा. तो आप जस्ट खेलते खेलते उसको ट्राई कर सकते हैं और कुछ सवाल इस किस्म से कर सकते हैं. अब आपके लिए एक ये सवाल आ जाता है, सीकेंट 27 आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, तो आप क्या आप बताएंगे कैसे निकालेंगे सीकेंट 27 डिग्रीज? सीकेंट इज इनवर्स ऑफ कोस, सो नो कोस राइट, सो 1 ओवर कोस इज 1 ओवर कोस 27 इन देन यू equal that to the inverse and then take the inverse of both sides. Perfectly fine. And then you will get. Right. So, एक correction करूँगा मैं. वो ये है कि inverse नहीं. Secant reciprocal होता है cos का. Reciprocal. So, याद करिए, reciprocal 1 over cos secant होता है. और inverse करते हैं तो angle आता है. ठीक है? तो secant 27, 1 over cos 27 हो गया. ये reciprocal है. और आपने cos 27, पता ही है आपको, calculator से small किया, 0.891 आ गया, 1 से डिवाइड करके आपका आंसर आ गया. तो अगर प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो आप उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करें और फिर उसकी वैल्यू निकालें. तो ये बहुत आसान तरीका है अपने सवालों को करना. तो ये हमारा अब आपको सबको समझ में आ गया कैसे राइट एंगल के अंदर एंगल निकालते हैं. जब हम राइट एंगल के अंदर एंगल निकालेंगे तो हमारा एंगल 0 और 90 के बीच में ही आएगा. ठीक है ना, क्योंकि हम राइट एंगल के अंदर निकाल रहे हैं और हम सारे एंगल पॉजिटिव ले रहे हैं, सब साइड्स पॉजिटिव ले रहे हैं. अगले लेसन में हम ये देखेंगे कि अगर हम क्वाड्रेंट प्लेन में चलें तो वहां तो पूरा साइकिल घूमता है, प्लस और माइनस एंगल चलते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में हमारे रिस्ट्रिक्शन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही है. तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम साइड्स निकाल रहे हैं और एंगल्स निकाल रहे हैं आज के लेसन में. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने सारी एक्सरसाइज करेंगे. चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपके लिए एक और एग्जाम्पल है. वो ये है कि इस ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है. तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये फाइंड करना है कि साइड एक्स कितनी है. क्या आप बताएंगे कि ये साइड एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, साथ में अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, बताइए. अल्फा कैन बी फाइंड बाय 90 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज. ओके गुड, 60 डिग्रीज राइट. और एक्स कितना हुआ? Sine 30 equals to x over 10. So then calculate. Correct. So remember special triangle? Special triangle याद है? ये देखिए, पहले मैं equilateral triangle बना देता हूँ. तो जब equilateral triangle होता है, all sides are 2. 2 का आधा 1 हो गया. तो ये जो angle है, वो हमारे 60 degrees है. और 2 square minus 1 square root 3 हो गया. ठीक है? 30 degrees का angle हमें दिया हुआ, 30, 60, 90 का दिया हुआ है. तो अगर 60 से एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज है तो रेशियो कितना है? हाफ का रेशियो है. बगैर कैलकुलेशन के हम ये बता सकते हैं ये साइड 5 है. ये बात आपको समझ में आई? यस. प्रोपोर्शनल है ये साइड्स, हमेशा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. आधी ट्रिग्नोमेट्री हम स्पेशल ट्राइंगल से करेंगे, बगैर कैलकुलेटर के एग्जैक्ट आंसर्स निकालेंगे. और किताब में भी आधे सवाल एग्जैक्ट सॉल्यूशन से होते हैं. तो जरा यूज्ड हो जाइए 30 60 90 ट्राइंगल से. और जैसे ही आपको ये मिले रेशियो 60 डिग्री या 30 डिग्री, आप सीधा वो ट्राइंगल पे जाके रेशियो से निकाल लीजिए. बहुत फास्ट और इजीली ये निकल जाएगा. ठीक है ना? तो चलिए एक बार इसको बताइए कैसे करेंगे. इस समय मेरे पास एक एंगल 30 डिग्रीज दिया गया है. आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना होगा और ये साइड हमने 35 दी है. It's double of 35, right? Very good. It's double of 35, क्योंकि ये रेशियो जो है वो 1:2 है. इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री होती है.
हम चुटकी में सवाल करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, आप मतलब हैरान जाओगे मैं कितनी जल्दी आपसे सवाल करवाऊंगा। कैलकुलेटर जितनी देर में दूसरा उठाएगा उतनी देर में तो हमारे जवाब दे देंगे, ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर इस किस्म से हम लोग सॉल्व करेंगे अपने सवालों को, ठीक है? आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा 90 माइनस थीटा को फंक्शन आइडेंटिटी, याद है ना सबको? तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर को फंक्शन आइडेंटिटी का अक्सर इस्तेमाल करके हम बहुत से सवाल कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखने की बात है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। अब हमारे ट्राइंगल्स जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए, पहले हम एक ट्राइंगल में बात कर रहे थे, अब हम दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पहला सवाल करें जिसके अंदर हमने दोबारा से 30 60 90 का ट्राइंगल लिया, ये आप देख रहे हैं 60 डिग्रीज है और हाइपोटेन्यूज 50 डिग्रीज है, आप मुझे बताइए ये साइड वाई कितनी होगी, कैलकुलेट करके बताएं। तो पहले हम एक्स को निकालेंगे, बताइए एक्स कितनी होगी ये वाली साइड, इज इट 25 बिकॉज़ इट्स हाफ राइट, 25 करेक्ट। तो ये एक्स हमारा 25 निकल गया सीधा 30 60 90 ट्राइंगल से। अब आप बताइए वाई कैसे निकालेंगे, ये 70 डिग्रीज का एंगल है, तो वाई निकालने के लिए हमें कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना पड़ेगा? tan, परफेक्ट। सो हमें पता चल गया tan 70 डिग्रीज जो है वो y ओवर 25 है, करेक्ट। तो यहां से निकल आया y इज इक्वल टू 25 टाइम्स tan 70 डिग्रीज। देखा कितनी आसानी से सवाल हो गया, इस तरीके से हमारे सवाल होंगे ओरल। अगला सवाल देखें, अब आप अगले सवाल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको साइड्स निकालनी है, तो ये सवाल आपका होमवर्क हो गया, तो आप इसे होमवर्क की तरह इस्तेमाल कर लें, इसकी एक पिक्चर ले लें और इसको बाद में करें, ठीक है? अब हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऐसे नहीं निकल सकता ये डी टू बी का डिस्टेंस हमने 27 लिखा नहीं था, अब ये सवाल होगा क्योंकि 27 ये डी टू बी का डिस्टेंस नहीं लिखा, आप इसे लिख लें उसके बाद ये सवाल करें, ठीक है? तो डी बी इक्वल्स टू सॉरी ए बी इक्वल्स टू ए बी को 27 लिख लें और उसके बाद इस सवाल को करें, तो ये टाइपिंग एरर है इसमें। अब ये सवाल बहुत आसान हो जाता है, इसे कर लें। चलिए आगे चलते हैं। मैं चाहूंगा आप इस पेज की एक पिक्चर ले लें और क्वेश्चन नंबर 14 को एज ए होमवर्क ले लें, 14 15 16 17। चलिए हम एक सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं और ये तरीका देखते हैं कि कैसे इस किस्म के सॉल्व किए जाते हैं सवाल। तो इस समय हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था उसका एक एग्जांपल। उसको करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो कि आपको दिखाए गए हैं, हमें जो साइड निकालनी है वो ये साइड एक्स निकालनी है ए और डी के बराबर। तो आप मुझे बताएंगे कैसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से हमें ये सवाल करना चाहिए, एनीबॉडी? Sir, to find x, you could do sine 50 because you have the hypotenuse and you need the opposite side, right? Right. You find x directly from that itself. Correct. That is fine. But actually speaking, when we started with this question, this side hypotenuse was not given to us. This is a part of solution which is being provided. So first step was to find the hypotenuse AC. Well, Akshat, you are absolutely right. When I write this there, you can directly do that. But how do we find the hypotenuse, which is AC? You have to solve for this triangle. And which trigonometric ratio will you use to solve this triangle ABC? Tan. Right. So if you look from there, not tan, we are given the hypotenuse in this triangle because this side is opposite to the 90 degrees. Okay. So, and from the angle, we are given the opposite side. So therefore, we are going to use the sine ratio. We know the opposite side and the hypotenuse. So using the sine ratio, we find that this hypotenuse is 7.66. And then we use the second triangle and find our solution. That's perfectly fine. And that is how we are going to do it. Now, let's take up another example where we are given a side opposite to 30 degrees angle. And we need to now find the other sides of the triangle.
How will you do it without calculator? Tell me. So if you take the angle P, it's the total of 60 plus 30. It's no, wait. Angle P, it says it's 60 degrees. So that means that you can take, you can use that angle. No, never mind. Let's solve the smaller triangle and find this first. We know it is a 30, 60, 90 triangle with AO equals to 3, 1, 2, 5. So what is PO equals to? You remember 30, 60, 90 triangle? The ratios are 1, 2, square root 3, right? So this side is 1 over square root 3, correct? So this side will be 3, 1, 2, 5 divided by square root 3, correct? Right? And that side will be twice this. 2 over square root 3 times 3, 1, 2, 5. Is that clear? Correct? If we look into now a bigger triangle, which is ABO, in that case, we know this side and this angle now is 60 degrees. And therefore, that side should be how much? You can use 10. You can use tan and then figure it out, or again, use the special triangle, right? So that is how we are going to find it. So let's go through the solution once again. So see, we can use special triangles to find all these answers. Now let's look into this. So first step is we use tan 30 to find the side PO, and PO was calculated to 5412.65 using dividing by tan 30, right? Then after that, once we know this, we can use tan 60 to find the complete side B, 2O. So we use that, and to find that, we found the angle, the side to be 9375, and taking the difference, we found 6250 as our answer. Is that correct? I have used trigonometry calculator to do this question. I will like you to do redo without calculator. Give exact answer. So that is going to be your exercise. Do without calculator, provide exact answer, okay? Correct. So likewise, we could do many problems like this. Now, why am I introducing you to these figures? Many height and distance questions are solved in this fashion. Do you understand? Let us say, if I want to find the height of a flag, which is being hosted on a hill and from some distance on the ground, I'm actually checking the angle of elevation. Then just by finding the angle of elevation, we can actually find the length of the flagpole. Do you see that? In this particular example, we are finding the height of anything. It could be a tree, a building, a tower, whatever, by measuring angles from two different sides. Since we can walk on the ground, we can also measure how much did we walk. Just by walking and measuring the angles, we can actually find the height of the building. So these are height and distance questions which we are going to take next time in our class. And if the angles are special angles, we can actually find those heights without any problem, without any calculator, within seconds. That is what we are going to do. Well, if the angles are like 25, close to 30, you can also estimate, right? Because 25 is clear, very close to 30 degrees, you can estimate. But anyway, we'll use calculator and our knowledge of special triangles to find height and distance questions. And that is what we are going to do in our next class. Is that clear to you? Yes, sir. Now here is just an example for you to end our lesson on right angle triangles. Here we have, let x equals to a square minus b square, y equals to 2ab, and z equals to a square plus b square, correct? So these are the three sides. Now explore how the numbers x, y, z are related.
Can you tell me how are they related? X, Y, and Z? If X is equals to A square minus B square, Y is equals to 2AB, and Z is A square plus B square. Are they the sides of a triangle? They are sides of right angle triangle. And this is a very easy method of producing Pythagorean triples. Pythagorean triples. So if you kind of remember, then if I have a right angle triangle, right? If I have a right angle triangle, then I can actually create all the sides just by knowing that this side is A square plus B square. And if one side could be A square minus B square, the third side could be 2AB, right? So giving different values to A and B, we can actually calculate all the three sides of a Pythagorean, right angle triangle. This is a very handy formula. Why have I shared this with you? Simply because most of the trigonometry is based on right angle triangle. So it's an opportunity for us to explore further this Pythagorean triples. I will like you to remember the many Pythagorean triple ratios, just as you know, 3, 4, and 5, correct? So that helps. 3, 4, and 5 means if you know one side is 3, the other side is 4, you don't have to calculate A square plus B square plus C square. You know that this is 5, correct? And also we'll see as exploring many times, we have sides which are just one more than the other side. The hypotenuse is one more from the other longest side. Those few strategies will also help you to solve many questions on trigonometry. Is that clear to you? Right. Okay. So we'll kind of end our lesson here today. And in the next lesson, as I was saying, we'll move forward. We have seen a right angle triangle. We have seen these special triangles, how to work with them. But in the next lesson, we'll also see how do we find angles when we are given the angle more than 90 degrees. Then we'll look into the coordinate plane and solve more questions. In addition to this, we are also going to solve height and distance questions with ease in our next question, in our next lesson. So be ready for that, okay? Now, I hope you understood today's lesson. I'd like you to... Yes, sir. Yes. Okay, so I'd like you to share with me what did you learn today, and if there are any doubts, can I answer those questions, please? Samita, can you tell me what did you learn and any doubts from today's lesson? Yeah. Today I learned the applications of how to find, of how to apply the three functions as well as special right triangles to more complex problems. Okay, Akshit. So in today's class, I learned how to relate like cofunctional identities, trigonometric ratios, and reciprocal trigonometric ratios to like real world problems and how to like attack the problem with more ease. That's great. Krishiv. I learned new formulas like the one of Pythagorean triplets at the end, and also I learned how to find sides and angles of triangles with right more than two more than one right angle triangles. Okay. अभिनव सर आज हमने सर राइट एंगल ट्रायंगल से जो रिलेटेड सवाल होते हैं उनको देखा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसको देखा हम लोगों ने ठीक है तो आज के लेसन में कोई डाउट्स हैं तो बताइए किसी को भी कोई डाउट्स हो नहीं सर वेरी गुड तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम मेरे और आपको मैंने कुछ सवाल दिए हैं वो आप करें और कोई भी डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें और ईमेल कर दें मैं आपके जवाब दे दूंगा और अगले सैटरडे फिर मिलते हैं और अगले सैटरडे हम दो टॉपिक्स लेने जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो हमारे आंसर्स कैसे निकलेंगे ठीक है तो उन दोनों को हम अगले सेशन में अगले सैटरडे को देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज का लेसन हम यही एंड करते हैं ओके थैंक यू हैव अ ग्रेट वीक थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू